और अमेरिका के मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कोविड का टीका ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी पर लाइव कार्यक्रम के दौरान पेंस ने यह वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के सुरक्षित होने का पेंस ने दावा किया। पेंस को फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन दी गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी वैक्सीन ले ली है। तो देखिए, माइक पेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने लाइव टीवी पर कोरोना का टीका लिया है ताकि लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा सके। नैंसी पेलोसी जो कि वहां स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, उन्होंने भी ये वैक्सीन ली है। चलिए, लेकिन कोविड को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो नई जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है अब आपको ये बताते हैं। ब्रिटेन में नए प्रकार का कोविड संक्रमण, ये जानकारी आ रही है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए, ब्रिटेन में नए प्रकार का कोविड संक्रमण, ये कह रही है रिपोर्ट। 60 अलग अलग इलाकों में, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, 60 इलाकों में 1000 से ज्यादा नए संक्रमण देखे गए हैं। उसके अलावा लंदन, कैंट, एसेक्स, हर्टफोर्डशायर में भी नए संक्रमण को देखा गया है। तो जैसे जैसे वैक्सीन की खबरें आ रही हैं, वैसे वैसे कोरोना से भी जुड़ी नई खबरें आ रही हैं। नए संक्रमण पर वैक्सीन काम ना करे, ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री की तरफ से कहा गया, मैट हैंकॉक की तरफ से। देखिए, ये चिंता की बात है। स्वैब टेस्ट से नए संक्रमण का खुलासा हुआ है। स्वैब टेस्ट के बाद ये खुलासा हुआ कि नए तरह का संक्रमण सामने आ रहा है, और स्वैब टेस्ट से खुलासे के बाद ये कहा गया है कि नए संक्रमण पर हो सकता है कि ये वैक्सीन जो आ रही हैं ये काम ना करें, ये जानकारी आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, कभी खुशी कभी गम टाइप सिचुएशन है यहाँ पर। खुशी इस बात की कि वैक्सीन लगातार आ रही है, तो गम इस बात का कि कोविड भी लगातार अपने आप को चेंज कर रहा है। ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है पहले ही, अब मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी यूजेस को इजाजत मिल गई है। तो ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। फाइजर को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। फाइजर का तो रोल आउट भी शुरू हो चुका है। अभी हमने आपको जो दिखाया, माइक पेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, नैंसी पेलोसी जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं, इन दोनों को फाइजर की वैक्सीन दी गई है वहां पर। और फाइजर की वैक्सीन के बाद एक और कंपनी मॉडर्ना जो वैक्सीन बना रही है उसकी वैक्सीन को भी मंजूरी इमरजेंसी यूजर्स की मिल गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।